हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर देवाशीष मिश्रा। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बीपीयूटी थर्ड फेज रिजल्ट कब तक आ सकता है, क्या है अपडेट। ऑफ एक्चुअली जिस दिन बीपीयूटी थर्ड फेज आया था, मतलब जो एग्जाम सेशन में बीपीयूटी थर्ड फेज शो कर रहा था, मुझे भी लग रहा था कि उस दिन आ जाएगा। अब लेकिन मुझे लग रहा है अब तो 3 दिन हो चुका है रिजल्ट नहीं आया है। आज है संडे, संडे को तो नहीं आ सकता है, सब लोग छुट्टी में रहेंगे बीपीयूटी का सब लोग, क्योंकि गवर्नमेंट का बीपीयूटी गवर्नमेंट का है। ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है वो जो एग्जाम सेशन में बीपीयूटी थर्ड फेज मेंशन हो गया था वो गलती से हो गया था। ओके, देखो मेरा पहले जो मैं वीडियो में बोला था, अगर 2-3 दिन में रिजल्ट आना था तो फिर 8 को ही सबका रिजल्ट आ गया होता, बीपीयूटी रिजल्ट पब्लिश्ड ऐसा नोटिस आ जाता। मैं जो पहले जो नोटिस में वीडियो में बताया था तुम लोगों को, सो इसके मतलब रिजल्ट अब नहीं आएगा। तो 20 जो मैं बोला था 20 से 30 के बीच में ही, और 4-5 दिन लगेगा, आज हो चुका है 40 और 5-6 दिन लगेगा, 20 से 30 के बीच में ही आएगा ऐसा मुझे लग रहा है। अगर आना था तो फिर आ चुका होता। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे, कमेंट जब भी मैं कमेंट चेक करूँ, सर बीपीयूटी थर्ड फेज का रिजल्ट बताइए, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर बताइए, अब चेक करना बंद कर दो, थोड़ा सा वेट कर जाओ। आज तो संडे है, आज आराम से रेस्ट लो, 2-3 दिन 4 दिन वेट कर जाओ। मुझे ऐसा लग रहा है 20 तक या 20 से 30 के बीच में ही रिजल्ट आएगा। अगर आना था तो फिर पहले से, जो 12 को जो हम लोग चेक कर रहे थे सब लोग, आ जाना चाहिए था, नहीं तो 8 को आ जाना चाहिए था, फिर अब फिर लेट होगा। ओके, 5-6 दिन लगेगा, तो थोड़ा सा वेट करो। स्टूडेंट लोग मुझे एक्सपेक्टेड टाइम ही बोल रहे, सर एक्सपेक्टेड टाइम ही, वो नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेड टाइम मैं कैसे बोल सकता हूँ, बीपीयूटी का जो प्रोसेस है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो उनको पता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है। सो एक्सपेक्टेड मैं बोल सकता हूँ, और 5-6 दिन वेट करो, आ जाएगा रिजल्ट। ओके, सो यही था अपडेट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक थैंक यू।